नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइज हम लोग आए हुए हैं साउथ वेस्ट एरिया में, जिसका नाम है आर्बर्स एट कैजविक। गाइज आज जो आपको घर दिखाएंगे वो है 1750 स्क्वायर फीट हाउस जो बनाया है हैप्पी प्लैनेट होम्स ने। गाइज हैप्पी प्लैनेट होम्स एडमिंटन का बहुत ही पॉपुलर बिल्डर है और इनकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब आपको दिखाते हैं ये अमेजिंग घर। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब करो। अब चलो चलते हैं इस घर के अंदर। सो गाइज जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से अंदर आओगे, यहाँ पर सामने ही है इस घर का लिविंग एरिया। सामने आपको मिलेगी एक फीचर्ड वॉल जिसमें है एक बिल्ट इन फायरप्लेस, और यहाँ पर ऊपर आप एक अपना टीवी लगा सकते हो इस लिविंग एरिया में। इस मेन फ्लोर पर गाइज आपको मिलेगी 9 फीट सीलिंग, और आप जैसे देखोगे कि पॉट लाइट्स पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ सीलिंग पे। लिविंग एरिया के साइड में यहां पर एक हाफ बैथ। और उसके बाद हाफ बैथ के सामने आपको एक क्लोजेट एरिया मिलेगा जिसमें आप अपना सामान सारा रख सकते हो। प्लस इस घर में बहुत ही अच्छे से बिल्डर ने इस कॉर्नर प्लॉट में विंडोज लगाई हुई हैं, और यहाँ पर आपको सामने भी बहुत ही बड़ी स्पेशियस विंडो एक मिलेगी। अब आपको दिखाते हैं गाइस इस घर का किचन एरिया। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड घर हैप्पी प्लैनेट होम्स ने बनाया हुआ है, और यहाँ जैसे ही आप एक किचन एरिया में आओगे आपको गैस बर्नर यहाँ पे मिलेगा, और ऊपर है एक सैमसंग का माइक्रोवेव, और इसके ऑपोजिट में आइलैंड के नीचे आपको मिलेगा एक डिशवॉशर प्लस 2 बोल सिंक। गाइज इस घर में अप्लायंसेस सारे इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पर किचन के सामने आपको बहुत ही अच्छा फीचर मिलेगा, वो है एक पैटियो एरिया। और बेस्ट फीचर ये है कि आप यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट एरिया बना सकते हो समर टाइम पे। और ये इसलिए बहुत अच्छा फीचर है कि आप जैसे यहाँ से आओगे ये बिल्कुल किचन के ऑपोजिट में है, तो आपको कुछ भी खाने वगैरह की सप्लाई जो लेनी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो सामने। और आप यहाँ देखोगे बहुत अच्छी पूरे शो होम में इसमें गाइस लाइट लगी हुई है, और ये घर करंटली सेल पर भी है, और ये सारे अपग्रेडेड फीचर यहाँ पे मिलेंगे इस घर में। और यहाँ सामने दिया हुआ है सैमसंग का डबल डोर फ्रिज। इस किचन में गाइज यहाँ पर अंडर कैबिनेट लाइट्स भी लगी हुई हैं। अब आपको दिखाते हैं इस घर का डाइनिंग एरिया। इस डाइनिंग एरिया में यहाँ पर सामने दी हुई है जियोमेट्रिक फीचर्ड वॉल, और ये बहुत ही स्पेशियस डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर अभी 4 सीटर टेबल लगी हुई है, और उसके सामने भी ये स्टोरेज स्पेस है। गाइज यहाँ से आप इस घर में पीछे से आओगे तो ये है सारा मडरूम एरिया, यहाँ पर आप अपनी शूज और जैकेट रख सकते हो। और आपको इस घर का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर दिखाते हैं। इस घर का गैराज पीछे अटैच्ड है, बैक अटैच गैराज इस घर में दिया हुआ है। और आप देखो इस गैराज में ऊपर सीलिंग पे लाइट्स भी बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो ये है यहाँ पर 2 कार गैराज, और यहाँ पर अभी हैप्पी प्लैनेट होम का एक ऑफिस स्पेस बना हुआ है। तो जब अगर आप आते हो इन लोगों से घर बुक कराते हो तो आप ये सारे फीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो अपने घर के लिए, और डिफरेंट डिजाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं घर में। ये एरिया है आर्बर्स ऑफ कैजविक, तो ये पूरा आर्बर्स ऑफ कैजविक का मैप दिया हुआ है। आप यहाँ से अपना डेडिकेटेड प्लॉट पिक कर सकते हो, और अपने टाइप का आपको जैसे घर बनवाना हो। इस गैराज में गाइस देखो ईवी चार्जर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही एक स्पेसिफिक अपग्रेड होता है जो सब घरों में नहीं दिया होता। सो गाइज ये था 1750 स्क्वायर फीट घर का फर्स्ट फ्लोर का टूर, जिसमें 2 स्पेसिफिक बहुत ही यूनिक फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको मिलेगा रियर अटैच गैराज, और इस मेन फ्लोर पर आपको एक पैटियो एरिया भी मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं इस घर का सेकंड फ्लोर,
और आपको दिखाते हैं कि इस घर में और क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे। तो चलो अब चलते हैं। सो गाइस, अब शुरू करते हैं सेकंड फ्लोर का टूर। और जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे एंटर करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक बहुत ही स्पेशियस लाउंज एरिया, जिसमें सामने एक जियोमेट्रिक वॉल फीचर्ड है। और इस पूरे सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेगा कारपेट, 9 फीट सीलिंग दी हुई है गाइस इस पूरे सेकंड फ्लोर पर। और देखो, एक स्पेशल फीचर, एक सेकंड पैटियो एरिया यहाँ लाउंज के सामने है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है गाइज इस घर में, जो कि बहुत यूनिक फीचर है। और ये कॉर्नर प्लॉट है, तो स्पेस बहुत ही वेल यूटिलाइज्ड है। अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट बेडरूम इस घर का। तो ये है गाइज इस घर का फर्स्ट बेडरूम। सामने यहाँ पर क्लोजेट दी हुई है, जिसमें ऑलरेडी शेल्फिंग है। अब आपको दिखाते हैं इस फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। तो गाइज, ये बेडरूम बहुत ही बड़े साइज का है, और यहाँ पर भी एक क्लोजेट एरिया दिया हुआ है। इन दोनों बेडरूम के सामने है एक लॉन्ड्री एरिया। तो ये है गाइज इस घर का लॉन्ड्री एरिया, और यहाँ पे सैमसंग के अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वॉशर और ड्रायर। और अब आपको दिखाते हैं इस फ्लोर का फर्स्ट फुल बाथ। तो ये बहुत ही अच्छा, देखो लाइट फिक्स्चर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके सामने एडिशनल स्टोरेज स्पेस है, जो बहुत ही अच्छे से प्लान हुई हुई है इस घर में। अब आपको दिखाते हैं गाइज इस घर का मास्टर बेडरूम। तो ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, और आप देख सकते हो कितनी सारी विंडो ऑलरेडी इस मास्टर पे दी हुई है। और इस मास्टर की वॉक इन क्लॉजेट, ये जो बहुत ही स्पेशियस क्लॉजेट यहाँ पे दी हुई है गाइज। 1750 स्क्वायर फीट में गाइस स्पेस यूटिलाइजेशन इस घर में बहुत ही प्लान तरीके से करी हुई है बिल्डर ने। और अब आपको दिखाते हैं इस मास्टर का फुल बाथ। तो यहाँ पे दो सिंक दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पर एक रेनफॉल शावर दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल के जेट होस दिए हुए हैं। और गाइस, इस मास्टर का सबसे बेस्ट फीचर है ये बैक में एक पैटियो एरिया। सो गाइस, ये था 1750 स्क्वायर फीट घर का सेकंड फ्लोर, जिसमें आपको मिलेंगे 3 बहुत ही स्पेशियस बेडरूम्स, 2 फुल बाथ, 2 बालकनी आपको मिलेंगी गाइस इस घर में। बालकनीज यूजुअली इतना कॉमन फीचर नहीं होता, बट इस घर में बहुत ही प्लान तरीके से बिल्डर ने, हैप्पी प्लैनेट होम जो बिल्डर का नाम है, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है गाइस, बहुत अच्छे से इस घर को बनाया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं इस घर की फिनिश बेसमेंट। सो गाइस, अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस घर की फिनिश बेसमेंट में। जैसे आप देखोगे, बेसमेंट की स्टेयर्स में भी पूरी हार्डवुड फ्लोरिंग है, प्लस इस घर में ऑलरेडी साइड एंट्रेंस दी हुई है, क्योंकि ये फुली फर्निश्ड बेसमेंट है, और इसको आप एज अ बेसमेंट में रेंटल सुइट की तरह यूज कर सकते हो। तो ये है इस घर की साइड एंट्रेंस। सो अब चलते हैं गाइज इस घर की फिनिश बेसमेंट में। तो जैसे ही आप बेसमेंट में एंटर करोगे, ये है पूरी एक फुली फिनिश बेसमेंट की किचन। यहाँ पर सामने आपको मिलेगा डबल डोर फ्रिज, 5 स्टोव गैस बर्नर, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 बोल सिंक, प्लस नीचे यहाँ पे डिश वॉशर। पूरे बेसमेंट में गाइस हार्डवुड फ्लोर दिया हुआ है, और इस बेसमेंट में भी आपको मिलेगी 9 फीट सीलिंग। अब आपको दिखाते हैं बेसमेंट का बेडरूम सुइट। तो ये गाइज इस बेसमेंट का बेडरूम सुइट। यहाँ सामने आपको मिलेगा एक क्लोजेट एरिया,
और सामने इस बेसमेंट में गाइज एक ऑफिस स्पेस बनाया हुआ है यहाँ पर। किचन के साइड में है फुल बाथ, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक टब। और गाइज यहाँ पर देखो इधर भी पीछे एक स्टोरेज एरिया दिया हुआ है, और यहाँ वॉशरूम के साथ में ही है इस बेसमेंट का लॉन्ड्री एरिया, तो वॉशर और ड्रायर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक परफेक्ट रेंटल इनकम स्वीट है गाइस। सो गाइस ये था 1750 स्क्वायर फीट घर का पूरा टूर। गाइस इस घर का प्राइस है 549,900 कैनेडियन डॉलर। ये वाला घर करंटली सेल पर है गाइस, और ये बहुत ही अच्छा घर है क्योंकि इसमें सारे वो अपग्रेड दिए हुए हैं जो कि एक घर में असेंशियल होते हैं। गाइज अगर आपको बिल्डर से इस घर के लिए कांटेक्ट करना है तो आप नीचे हैप्पी प्लैनेट होम्स को कांटेक्ट कर सकते हो। उनकी सारी डिटेल और उनका इंस्टाग्राम पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको मेरा चैनल और कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई भी कॉमेंट या फीडबैक हो तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जिसने अभी तक गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।